नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। 29 नवंबर को एक फिल्म रिलीज है दोस्तों, जिसका नाम है एक्स रे द इनर इमेज। इस फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि राहुल घोष तुम कैसे बात कर रहे हो, तो आपको बताना चाहता हूँ, जस्ट अभी प्रेस शो देखकर आया हूँ और आपको इस फिल्म के बारे में डिटेल कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे बजट में जो आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखने को मिलेगी वो शायद कहीं और नहीं मिलेगी। आइए बात करते हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। आ गया है राहुल भोज, आपका होस्ट एंड दोस्त, आप लोगों को एक्स रे के बारे में बताने के लिए। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। थ्रिलर फिल्मों में क्या होता है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों में ना एक ग्रिप होनी चाहिए, एक पकड़ होनी चाहिए, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने चाहिए जो कि ठक 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 इस तरीके से सामने आए। मतलब अगर आपको दोस्तों याद होगा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, याद है आपको दोस्तों, एक हॉलीवुड फिल्म है, इसके लिए ऑस्कर भी मिला है इस फिल्म के मेन नेगेटिव विलन को। आपको बताना चाहता हूं, ये इतनी भयंकर साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी दोस्तों कि आप लोग देखते तो आप लोगों को लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म की यानी कि एक्सरे की, तो एक्सरे में भी हमें बहुत से ऐसे मोमेंट्स दिखाई देते हैं, बहुत से डायरेक्टर ने दोस्तों इसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स डाले हैं, ऐसे ऐसे कैमरा एंगल्स का इस्तेमाल किया है कि आप लोग लिटरली देखकर शॉक हो जाएंगे, हिल जाएंगे। फिल्म के डायरेक्टर हैं मिस्टर राजीव एस रोया, और ये डायरेक्टर साहब, राजीव साहब की एक बात है दोस्तों, वो छोटे बजट में बड़ी फिल्में बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे उनकी सांसें ले लीजिए जो कि हितेन तेजवानी के साथ फिल्म थी, या फिर मुश्किल ले लीजिए जो कि कुणाल रॉय कपूर रजनीश दुग्गल की फिल्म थी। मुझे याद है कि मैं उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे मुलाकात किया था, तो बातचीत की थी, तब उन्होंने बात बताई थी कि उन्हें जो ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा है, जो ये हॉरर जॉनरा है, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और उनको इसी चीज में ज्यादा फिल्मों को एक्सप्लोर करना है। बात करें अगर दोस्तों इस फिल्म की यानी कि एक्सरे की, तो इस फिल्म के अंदर भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काबिले तारीफ है। मतलब देखिए, हालांकि इसका इतना प्रमोशन नहीं हुआ है, मैं आपको कहना चाहूंगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि फिल्म में सारे ही स्टार कास्ट नहीं है। राहुल शर्मा जो कि एक न्यू एक्टर है, न्यू बाय एक्टर है। वहीं अगर मैं इस फिल्म की फीमेल लीड की बात करूँ, तो याशिका कपूर है जो कि एक भोजपुरी फिल्म में आ चुकी है, जिसका नाम डमरू है। इस फिल्म के अंदर चाहे याशिका हो चाहे राहुल शर्मा हो, दोनों ने ही खूबसूरत काम किया है। राहुल शर्मा की अगर मैं बात कहूं, तो उनके फेस को देखता नहीं, देखकर ये नहीं लगता कि वो कितने ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर निभा सकते हैं। मतलब इस फिल्म के अंदर जो उनका कैरेक्टर है, आई होप सो ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा कुछ ना कुछ आ गया होगा, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है, बाप रे बाप, लिटरली घुसबम्स आ जाते हैं जब वो याशी करके ऐसे करके आगे बढ़ते हुए आते हैं और हीरोइन को डराने की कोशिश करते हैं ना दोस्तों, लिटरली सिनेमा घरों में चीख निकल गई थी कुछ कुछ लड़कियों की। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है। बारिश की रात है जहां पर एक लड़की की कार खराब हो जाती है, लड़की प्रॉब्लम में है, लड़का उसकी हेल्प करता है, लेकिन लड़की को पता नहीं होता कि ये हेल्प करने वाला ही राक्षस निकलेगा और किस तरीके से उसके चुंगुल में ये लड़की फंस जाती है। अब बाहर निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, क्या एंड होगा, ये तो जब आप फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेंगी बातें। बात करूं अगर दोस्तों मैं, तो फिल्म के अंदर छोटे छोटे ऐसे डरावने मोमेंट्स हैं जहां पर आपकी सांसें निकल जाएंगी। फिल्म के अंदर एक एक्वेरियम टूटने वाला सीन है, वो बहुत ज्यादा क्लासिक तरीके से शूट किया है राजीव सर ने। और वहीं दोस्तों एक दो सीन्स है जिसमें लड़की अपनी जान के लिए पानी के अंदर डाइव लगाकर काफी देर तक रुकी है याशी उसके अंदर, पानी के अंदर, वो सीन बहुत ज्यादा खूबसूरती से फिल्माया गया है। साथ ही साथ दोस्तों याशी में दम तो है बंदी में, क्योंकि उसने ही कीचड़ के अंदर अपनी सांस रोक के एटलीस्ट कुछ मिनट का एक शॉट भी दिया है, जो कि लाजवाब है। फिल्म के कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, फिल्म का प्लॉट बीच बीच में भटकते हुए भी नजर आता है, फिल्म का प्लॉट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देता है अगर आपने फिल्म को स्टार्टिंग से अच्छी तरीके से देखा नहीं है। बट दोस्तों डायरेक्टर साहब की काबिलियत जो है, एक्ट्रेस की जो एक्टिंग है, वो उस फिल्म को आगे लेकर जाती है। बिजनेस कितना करेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों के दीवाने हैं उनको ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी। प्लस जिस हिसाब से 7 अलग अलग सेटअप के साथ एक शॉट को, एक सीन को पर्टिकुलरली शॉट किया गया है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं फिल्म में देखने लायक है, कुछ नयापन के साथ है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, फिल्म में एक रोमांटिक ट्रैक भी है जिसे देव नेगी ने गाया है अपनी मधुर आवाज में, वो अच्छा लगता है। वहीं फिल्म के कुछ एक दो फैंटेसी वाले सीन्स हैं दोस्तों जो कि थोड़े से एरोटिक भी हैं। ओवर एंड ऑल अगर फिल्म की बात करें दोस्तों, तो फिल्म आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं अगर आप साइकोलॉजिकल फिल्मों के दीवाने हैं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों के दीवाने हैं, और आप एक ऐसा एक्सपीरियंस चाहते हैं जो कि आपको शटर आइलैंड देखते वक्त या फिर नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन देखने के वक्त आया था, वैसा ही कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस आपको
वैसा ही कुछ सिमिलर आपको मिलेगा दोस्तों इस फिल्म के अंदर। सो जाइए एंजॉय कीजिए। और जहां तक स्टार्स की बात है, मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार देना चाहूंगा। राहुल शर्मा की एक्टिंग जबरदस्त है, हीरोइन यानी कि याशी की एक्टिंग यानी कि याशिका कपूर की एक्टिंग जबरदस्त है एंड राजीव सर का डायरेक्शन लिटरली ऑसम है। जाइए फिल्म देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।